नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने चैनल पर और सभी का एक बार फिर लेटेस्ट अपडेट के साथ हार्दिक अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है और ये जानकारी है कि जो अतिथि शिक्षक हैं अब उनकी भर्ती का विरोध किया जा रहा है। और दोस्तों जो विरोध है वह नेगेटिव व्यू में नहीं है, वह पॉजिटिव व्यू में है। सभी अभ्यर्थी चाहते हैं कि अतिथि शिक्षक की प्रथा बंद हो और अतिथि शिक्षक की जगह पर स्थायी भर्ती की जाए, जहां पर गवर्नमेंट एक और कम पदों की होने की बात करती है, रिक्त पदों की अनुपस्थिति की बात करती है। लेकिन हम देख रहे हैं कि हजारों की संख्या में अतिथि शिक्षकों की भर्ती इस बात को इंगित करती है कि लाखों की संख्या में पद खाली हैं और 87,000 के लगभग पद बताए गए हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं पूरी जानकारी क्या है, आखिर क्यों किया जा रहा है अतिथि शिक्षक भर्ती का विरोध। तो देखिए दोस्तों, ऐसे बहुत सारे समाचार पत्र हैं, वेब न्यूज़ हैं, जिसमें कि शिक्षक भर्ती जो कि अतिथि के रूप में की जानी है उनका विरोध चारों तरफ से दिखाई दे रहा है। और इसके विरोध में जो शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 में उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन भी दिया है और समस्त रिक्त पदों पर द्वितीय काउंसलिंग कराते हुए स्थायी शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण कराने की मांग की है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि जनजाति विभाग में भी और DPI में भी हजारों की संख्या में रिक्त पद हैं, लेकिन अभी तक भर्ती की जो प्रक्रिया है वह पूरी नहीं की गई। तो आप देखेंगे कि इस बार नवीन शिक्षा सत्र 17 जून से शुरू होने जा रहा है, वहीं प्रदेश के शासकीय स्कूलों में अभी भी स्थायी शिक्षकों की भारी कमी बनी हुई है, जिसके चलते स्कूल शिक्षा विभाग ने नवीन शिक्षण सत्र 2022-23 के लिए अतिथि शिक्षकों को पुनः आमंत्रित किया है और जिसकी की डेट 21 जून निर्धारित की गई है, जैसा कि मैंने आप लोगों को अभी बताया। वहीं अतिथि शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया का विरोध भी शुरू हो चुका है। शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 के जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, जो पात्र अभ्यर्थी हैं और जो कम पद आने की वजह से अपने आप को ठगासा महसूस कहते हैं, उनका कहना है कि रिक्त पदों पर पद वृद्धि के साथ द्वितीय काउंसलिंग कराते हुए स्थायी शिक्षक भर्ती 2018 को पूर्ण करें। और शिक्षक पात्रता परीक्षा संघ के प्रदेश संयोजक रंजीत गौर, जैसा कि हम सब जानते हैं बहुत अच्छा योगदान रहा है रंजीत गौर जी का, एवं अन्य अभ्यर्थियों के अनुसार 10 वर्ष बाद हो रही शिक्षक भर्ती पिछले 4 वर्षों से लंबित पड़ी हुई है और अभी तक दोस्तों ये पेंडेंसी में अटकी है। और माध्यमिक शिक्षकों की पूर्ति एवं उच्च माध्यमिक के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा 2018 आयोजित की गई थी, परंतु अभी तक इसको पूर्ण नहीं किया गया है और जिसके अंतर्गत अभी भी लगभग 15,000 शिक्षकों को ही नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं और शेष पात्र अभ्यर्थी जिनकी संख्या लगभग इतनी ही है अपनी नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं और बार बार राजधानी आकर के धरना प्रदर्शन करने को मजबूर है। तो दोस्तों सभी न्यूज़ में ये खबर प्रकाशित की गई है, उसके आधार पर ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। वहीं प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए भी इस वर्ष पात्रता परीक्षा आयोजित की जा चुकी है, लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये विवादों में पड़ चुकी है और अभी तक इसका परिणाम घोषित नहीं किया गया है PEB के द्वारा, जिससे परीक्षार्थियों में भारी आक्रोश दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इसके भी कई कारण हो सकते हैं कि चुनाव का समय आ चुका है और इसके चलते शायद ये परीक्षा का जो रिजल्ट है वह बाद में घोषित किया जाएगा। और प्रदेश में हजारों की संख्या में BEd, DEd धारी शिक्षित युवा पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी बेरोजगार घूम रहे हैं, जबकि अतिथि शिक्षकों के द्वारा ये कार्य चलाने की योजना गवर्नमेंट की है। पात्र अभ्यर्थियों ने आरोप लगाते हुए कहा कि प्रदेश में जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है उसके अनुसार शासकीय स्कूलों में स्थायी शिक्षक होना चाहिए, जिसका एक उदाहरण CM राइज विद्यालय है, जबकि स्कूल शिक्षा विभाग अतिथि शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। और एक रिपोर्ट कहती है कि 87,630 पद रिक्त बताए गए हैं और उस रिपोर्ट के आधार पर जो मध्य प्रदेश की स्थिति है वह काफ़ी कुछ निम्न स्तर की बताई गई है। तो दोस्तों देखें आप कि जो हर न्यूज़पेपर है, हर वेब न्यूज़ है, उसमें ये खबर प्रकाशित की गई है कि शिक्षकों के पद रिक्त हैं, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा अभी तक शिक्षकों की भर्ती पूरी नहीं की जा सकी है। और लगातार DPI में भी और जो नाम रिपीट हुए हैं जनजाति विभाग में भी, तो उसकी वजह से जनजाति विभाग में भी काफ़ी संख्या में पद खाली बताए जा रहे हैं। वहीं पर दोस्तों जो ममता निगम जी हैं और साथ में ही जो रंजीत गौर जी हैं उनका भी कहना है कि पदों की संख्या को बढ़ाएं और जिन 4 विषयों में पदों की संख्या काफ़ी कम आई है उसमें पदों की समानता करके और द्वितीय काउंसलिंग जल्द से जल्द करें, इस प्रकार की बात रंजीत गौर जी के द्वारा की गई है। दोस्तों जैसा कि हम सब जानते हैं कि पद वृद्धि का आंदोलन लगातार अपने सक्रिय रूप में है और चुनाव का समय आ गया है, आचार संहिता लग चुकी है, इसकी वजह से हो सकता है कि कुछ समय डिले हो और निश्चित रूप से आचार संहिता में तो ये रिजल्ट न जारी किया जाएगा और ना ही द्वितीय काउंसलिंग प्रारंभ की जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं फिर से अगली वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।